हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को तो स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज देखिए डेकोरेशन के लिए कितने सारे हम दिया स्टैंड बना के रेडी कर रहे हैं। अब की मेरे बेटे को थोड़ा डेकोरेशन में सिंपल दिया स्टैंड चाहिए, तो जिसके लिए उसने सिर्फ देखिए ये देखिए बॉक्सेस लिए हैं, उसको पेंट किया है, नीचे कार्डबोर्ड लगा के अटैच कर दिया है, जिससे कि ये प्यारा सा एक दिया स्टैंड बन के रेडी है। और बाजार से ही ये देखिए आप छोटी छोटी सी दिया लेके आया था, जो कि बहुत ही प्यारी थी, तो उसको ऊपर रख देंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। तो बिल्कुल सिंपल रखना है हमको। और ये देखिए उसके आगे हमें छोटा दिया स्टैंड का यूज करना है, सिर्फ एक एक दिया रखी रहेगी ना, जलते ही हमें बना लेना है। आप चाहे तो मार्केट से कुछ अच्छी सी जो बड़े बड़े दिए आते हैं आजकल, तो प्यारे प्यारे दिया ला के इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने सारे बॉक्सों का यूज कर लिया है। तो जब तक दीपावली है, जब तक इतना काम तो चलता ही रहता है। तो चलिए आज जल्दी से आपको अपने ब्लॉग में दिखाते हैं कि आज हमने पूरा दिन क्या किया। तो आज तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही बहुत सारा काम था। जैसे कि कल घर और तो कल ही धुल लिए थे, तो आज रह गया था तो सिर्फ हमारी जो है पेड़ों को थोड़ा सा देख रेख उसकी करनी थी, और थोड़ा और छत साफ करना था। तो बस ये सब काम किया। और जो हमारी एंट्रेंस होती है अंदर आने के लिए मेन गेट की, तो वो काफ़ी बड़ी है, तो जिसको हमें जल्दी हम साफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में ही इतना काम हो जाता है। तो ये देखिए इतना काफ़ी लंबा है। तो ये सब आज हम लोग ने काम करके निपटा लिया, साफ़ सफाई, क्योंकि दीपावली है तो डिटेलिंग में सफाई तो बनती है। बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए घर में, माता लक्ष्मी आने वाली है तो ये सब तो जरूरी है। और ये देखिए हमारे गार्डन में कितने अच्छे अच्छे फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये देखें हम आपको दिखाते हैं, और कुछ ही दिन में हम हार्वेस्टिंग करेंगे अपने बैंगन की। तो फ्लावर देखिए आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए थे, तो हमने कहा आपके साथ वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो कैसे लगे आपको? और हमने सोचा था दीपावली तक हमें तो यहाँ पर कमल के फूल मिल जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है पेड़ों की। तो चलिए आइए अब दिखाते हैं आपको हमने अगले साल जो है, मतलब पिछले साल हमने ये देखिए दिया स्टैंड बना के रेडी किया था। चलो आओ तुम साइड में बैठो, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए इसलिए इसे साइड में बैठा देते हैं। अच्छे से बैठो, चलो पैर इधर करो। अब मिलते हैं आपको, दिखाते हैं। ये देखिए दिया स्टैंड, ये हमने मीशो में देखा था ऑनलाइन, बहुत ही प्यारा था उसमें भी, तो हमने कहा क्यों ना हमारे पास जो रखा हुआ है हम उसी से कुछ नया बनाए। तो ये देखिए खूब प्यारा सा छोटी छोटी दिया हमने जो है नवरात्रि की यूज किए हुए प्याले से बनाया था। और आज के ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं, जो हमने अभी अपना नया चैनल चालू किया है यूट्यूब पर, उसके लिए आज हम बना रहे हैं बालूशाही। तो देखिए बालूशाही की थोड़ी तैयारी हो चुकी है, अब बनाने ही जा रहे थे, हमने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। तो बस कढ़ाई में हमें बालूशाही, तो ऐसे ही मीडियम आंच पे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही डाल देना है। तो ये देखिए बिल्कुल भी इसमें आँच नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ऐसे डाल देंगे, और फिर धीमे धीमे से जब इसमें आँच आएगी तो ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगी, और फिर मीडियम कर देना है और गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारी बालूशाही बनके रेडी हो गई। अब गार्निश के लिए हम इस पर पिस्ता का यूज़ करेंगे और थोड़ा सा रोज़ का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए बन के रेडी हो चुकी है हमारी बालूशाही। आप बताइएगा हमारे घर में कैसी बनी है हमारे हाथों की बालूशाही। तो अगर आपको अच्छी लगे हमारे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।